दोनों फैब्रिक हमारे 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है और इन दोनों कपड़ों की चौड़ाई 44 इंच, 44 इंच कपड़ों का पन्ना है, 44 इंच कपड़ों की विड्थ है। इसमें हम दोनों कपड़ों को मिक्स एंड मैच करके कुर्ती बनाएंगे और इस कुर्ती में हम शर्ट कॉलर देंगे और सामने से इसको पूरा खुला रखेंगे। फ्रंट ओपन शर्ट कॉलर कुर्ती हम इसे बनाएंगे। तो मैं ये प्लेन वाले फैब्रिक को बीच में रखूंगी और ये प्रिंटेड फैब्रिक को साइड्स में रखूंगी। अब हमारे पास ये कपड़ा 1.5 मीटर है और यह किनार टू किनार मेरा फोल्ड किया हुआ कपड़ा है। तो हम अपना जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम इस वाले कपड़े से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लंबाई लेंगे। तो हमारी जो लंबाई है वह है 45 इंच। 45 इंच हमारी लंबाई है, उसमें हम 1.5 इंच नीचे से फोल्ड करने का प्लस करेंगे, 1.5 इंच हम नीचे से फोल्ड करने का प्लस करेंगे तो 46.5 हो जाएगी, 46.5 इंच हमारी लंबाई हो जाएगी। तो हम 46.5 46.5 पे मार्क कर देंगे और यहाँ पर हम इस कपड़े को ऐसे पूरा खोल लेंगे। अब हम इस वाले पीस में से सिर्फ और सिर्फ हमारे 3.5 उसमें से -1 इंच कर लेंगे। आप अगर तख्ती ले रही है तो तख्ती का आधा -1 इंच कर लीजिए और अगर आप तीरा ले रही है तो तीरे का आधा -1 इंच कर लीजिए। क्योंकि हम कॉलर वाला बना रहे हैं तो हम इसमें तीरे का आधा लेंगे, तो तीरे का नाप हमारा 15 इंच है, 15 इंच है, तो उसमें से हम 1 इंच माइनस कर लेंगे तो हमारा बचेगा 14 इंच, 14 इंच। तो हम यहाँ से एज इट इज 14 इंच अपना कपड़ा ले लेंगे। ये हमारी लंबाई वाला निशान है और ये हमारी चौड़ाई 14 इंच। तो ये इस तरह से हम इस कपड़े को पूरा खोल कर डबल फोल्ड कर लेंगे। हर जगह से आप देख लीजिए 7 इंच 7 इंच होना चाहिए आपका ये, और 7 इंच से आप कम रखना चाहते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं, ये सब आपकी चॉइस पर है। ये हमारी लंबाई 46.5 है और ये हमारी चौड़ाई 7 इंच। अब हम इस कपड़े को हमने पूरा खोल लिया है और यहाँ से बस ये कपड़ा सिंगल में हमने निकाला है 7 इंच, तो ये डबल में होकर हमारा 14 इंच हो जाएगा। अब हम इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसी कपड़े में से ये हमारा एक पोर्शन हुआ पैक वाला पिछला हिस्सा हुआ, अब हम इसमें से फ्रंट वाला पोर्शन करें। तो फ्रंट से हम अपने शर्ट को आगे से खुला रख रहे हैं, तो हम इससे फ्रंट वाले कपड़े में यहीं से हम इसको चौड़ाई में 8 इंच ले लेंगे। हमें आगे से खुला रखना है उसको, तो हम उसे उसमें 1 इंच आगे से फुल फोल्ड करने के लिए भी कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, तो इसलिए हम इसको 8 इंच 8 इंच ले लेंगे। आप अगर ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा 8 से 8.5 इंच भी ले सकते हैं। हर तरफ से आप नाप लीजिए, आपको जितना रखना है 8 रखना है या 8.5 रखना है तो 8.5 इंच 8.5 इंच आप इसे ले लीजिए। अब हम इस कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे। अब ये वाला जो कपड़ा है, हमने जो 8.5 इंच चौड़ा कट किया है इसको हम बीच में से भी कट कर देंगे क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन बनाने जा रहे हैं। अब हमने जो ये पिछला हिस्सा इस पर कट किया था वो इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे और ये साइड से हम बराबर रखेंगे और ये साइड हमारी जुड़ी हुई साइड है और यह वाली खुली हुई साइड है। अब हम इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करे हुए ही हम इधर साइड में रख लेंगे। हम इसके बिल्कुल बराबर रखेंगे और हम इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप सिलाई करेंगे जितना हम इसमें इसके ऊपर इसको रख देंगे। हर तरफ से आप इतना ऊपर रख लीजिए जितना कि आप सिलाई में लेते हैं। हम हर तरफ से कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेंगे।
अब हम इस जगह से ये हमने एक्स्ट्रा वाले पार्ट को चाहे तो आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए और हम यहां से अपने तीरे का आधा ले लेंगे। तो तीरे का आधा हमारा 15 इंच था और हमने उसे 14 इंच लिया था, तो हम यहां से एक 7.5 इंच लेंगे और थोड़ा सा हम सिलाई का एक्स्ट्रा रखेंगे, 8.5 इंच हम ले लेंगे। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखिए क्योंकि हमें जब आपस में जोड़ लेंगे तो फिर हम दोबारा इसकी कटिंग कर लेंगे, लेकिन एक बार कटिंग करने के लिए हम सिर्फ इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब यहां से हम ये हमने लिया है, यहां से हम आर्महोल लेंगे। आर्महोल का स्टैंडर्ड साइज मेरा 8 इंच है कॉलर वालों के लिए, तो मैं इसमें 8 इंच ले लूंगी और अब हम यहां से लेंगे सीने का चौथा प्लस 2 इंच। तो सीने का नाप हमारे पास है 37 इंच, 37 का 1/4 करेंगे, 37 इंच हमारे पास सीने का नाप है, उसका हम चौथा हिस्सा करेंगे। तो 37 पे इंची टेप को ऐसे रख के डबल फोल्ड कर 4/4 कर आप अपना चौथा हिस्सा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी चीज का चौथा हिस्सा निकालना है, 1/4 करना है, तो आपका मेथड यही रहेगा। तो हमारा चौथा हिस्सा आता है 9.25 और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो 10.25 11 इंच रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर 11.5 इंच लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। हम इसको जब जोड़ लेंगे तब हम इनको बाद में फिर दोबारा हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी कमर लगाएंगे, तो आपकी जो नॉर्मल आप कमर लंबाई लेते हो जैसे 14 लेते हो या 15 लेते हो, तो आप उससे थोड़ी सी इसमें ज्यादा लीजिए। तो हम इसमें 16 इंच कमर लंबाई लेंगे और फिर यहाँ पर लेंगे हम कमर गोलाई का 1/4 प्लस 2 इंच, कमर गोलाई का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे। तो कमर गोलाई हमारी है 32 इंच, 32 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 8 आएगा, उसमें प्लस 2 करेंगे तो 10 और हम आधा इंच थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे तो 10.5 इंच ले लेंगे। अब हम दोनों मार्क को इस वाले कर्व स्केल से यहां तक मिला लेंगे। हमेशा आप कर्व स्केल से मिलाइए, इससे आपका कुर्ता बस्ट एरिया पे सीने की ये जो ऊपर वाली जगह पर कभी भी टाइट नहीं होगा। अब हम अपनी सीट लेंथ लेंगे, सीट लेंथ यानी हिप लेंथ, तो हिप लेंथ हमारी 21 इंच है। अब हम यहाँ पर लेंगे हिप राउंड का 1/4 प्लस 2 इंच, ये हम ए शेप वाला कुर्ता बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर हिप राउंड यानी सीट गोलाई का 1/4 प्लस 2 इंच ले रहे हैं। 42 इंच हमारा सीट गोलाई है तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 10.5, उसमें प्लस 2 करेंगे तो 12.5 इंच हो जाएगा, तो हम यहाँ से 12.5 इंच ले लेंगे। 42 है हमारा हिप राउंड, तो उसका 1/4 आएगा 10.5 और उसमें प्लस 2 करेंगे तो 12.5 हो जाएगा, उसको भी हम यहाँ पर इस गोलाई वाले से मिला लेंगे। अब हमें नीचे से जितनी चौड़ाई रखनी है हम वहां पर एक मार्क लगा देंगे, जैसे कि मैं इसमें 19 इंच रख रही हूँ और यह आपकी चॉइस है, आप इसे कितना कम ज्यादा रखना पसंद करते हैं ये पूरा आपकी चॉइस पर डिपेंड होता है। अब इस जगह से आप इस जगह तक ऐसे तिरछा मिला लीजिए। अब हम इसके आर्महोल के निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे और इसको ऐसे गोलाई में यहाँ पर मिला देंगे। ये हमारा पीछे वाला आर्महोल हुआ, हम आगे वाले आर्महोल और नेक की हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम इस चीज की कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ से ये वाले पोर्शन की ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमने पोर्शन कट किया है इसको उठाकर हम एज इट इज पूरा का पूरा ये जो सीधी वाली साइड है हम इस तरफ रख लेंगे। आप इसे इस तरफ भी खिसका सकते हैं ताकि आपका यह कपड़ा जुड़ा हुआ एक जैसा बच जाएगा। आप बस यहां से देखिए कि आपका कपड़ा ये वाला यहां तक बराबर है और आप फिर उसके बाद इसको हर तरफ से ऐसे फैला लीजिए। अब हमारा ये कपड़ा इस तरफ बराबर है, हम इसकी यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा यह कुर्ती की कटिंग होती है। अब हम सबसे पहले इनको इनके साथ जॉइंट कर लेंगे, चारों पार्ट के साथ दोनों को दो इस तरह
एक इस तरफ एक इस तरफ करके हम ज्वाइंट करेंगे और फिर ये दो इन पार्ट के साथ इन दो वाले पार्ट्स को ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम इसमें से अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो ये स्लीव्स की लंबाई हमारी कम है तो हम नीचे इसमें ये वाले कपड़े का भी इस्तेमाल कर अपनी लंबाई को बढ़ा लेंगे। तो हमारी स्लीव्स की कटिंग करने का मेथड हमारा रहेगा, स्लीव्स की चौड़ाई निकालने का तरीका रहेगा सीने का चौथा हिस्सा, सीना 37 इंच 37 इंच है तो उसका 1/4 करेंगे तो 9.25 इंच आएगा। तो इस तरह से हम 9.25 इंच हमारी स्लीव्स की चौड़ाई को लेंगे, 9.25 इंच, तो यह हमारी 9.25 इंच स्लीव्स की चौड़ाई ले लेंगे। और यहाँ से हम ये जुड़ी हुई साइड है ये खुली हुई साइड है तो यहाँ से हम बिल्कुल ऐसे सीधा एक मार्क कर देंगे कपड़े में और उसके बाद हम इस जगह से 3.5 इंच मेरा डीप है स्लीव्स की कटिंग करने का ये खुली हुई साइड पर, तो यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे और इसी जगह से हम 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और 1 इंच हम यहाँ ऊपर की तरफ भी ले लेंगे। और अब हम इन दोनों निशानों को इस 1 इंच को इस 1 इंच से तिरछा ऐसे मिला लेंगे। अब हम ये कर्व स्केल से अपनी स्लीव्स के निशान लगाएंगे। अब हम इस लाइन को नाप लेंगे, ये लाइन हमारी 8 इंच है तो इसका हाफ कर लेंगे, 4 इंच हमारा हाफ आएगा। अब हम यहाँ से 1/2 इंच इस लाइन के ऊपर की तरफ लेंगे और 1/2 इंच हम इस लाइन के नीचे की तरफ लेंगे और इस 1 इंच वाले निशान से हम ये 1/2 इंच के निशान को कर्व स्केल की ये गोलाई से यहाँ पर इसको ऐसे मिला लेंगे। अब हम स्केल को थोड़ा सा घुमाएंगे और इस जगह से यहां तक हम 1/2 इंच वाले निशान से इसको ऐसे मिला लेंगे, हाफ हाफ करके आपको मिलाना है। अब हम स्केल को जस्ट नीचे कर लेंगे और ये जो ऊपर साइड है यहां से ये नीचे वाले 1/2 इंच पर ऐसे मिला लेंगे और इसको हम ऐसे पलट कर अपोजिट कर यहां से यहां मिला लेंगे। तीन साइड आपके स्केल को आपको ये शेप में रखना है और एक साइड आपको अपोजिट करना है। इस तरह से आपकी स्लीव्स के निशान बड़ी आसानी से और अच्छे से लग जाते हैं। अगर आप दूसरा मेथड देखना चाहते हैं सिंपल तरीके से तो आप मेरा हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से हम 2 इंच सीधा लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे स्लीव्स गोलाई का 1/2 प्लस 2 इंच, स्लीव्स गोलाई हमारी 11 इंच है नीचे से, उसका 1/2 करेंगे तो 5.5 आएगा, 5.5 आएगा और उसमें +2 करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, 7.5 इंच हो जाएगा। और अब हम इसको इस जगह से यहाँ तक ऐसे तिरछा मिला लेंगे और इसकी हम पहले यहाँ से फिर ये होते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे खोल लेंगे और इसकी ये एक वाली कटिंग और कर लेंगे, हम ये दो पार्ट की ही ये वाली कटिंग करेंगे। अब हमें अपनी लंबाई चेक करनी होगी, हमारी जो लंबाई हमें कितनी रखनी है, हमें जैसे 17 इंच अपनी लंबाई रखनी है तो हम यहाँ से इतना चौड़ा नीचे से ये वाला कपड़ा इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस कपड़े को हम डबल ही इस्तेमाल करेंगे इस तरह से और जितना आपको जरूरत है उतना चौड़ा आप इसे कट कर लीजिए। इसको आप डबल करके लगाएंगे तो आपकी स्लीव्स का नीचे से फॉल अच्छा आएगा। इस तरह से हमारी इस कुर्ती की कटिंग होती है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, पहले हम उन जॉइंट्स को जॉइंट कर लेंगे आपस में, फिर हम इसमें से अपना शर्ट का कॉलर बनाएंगे। अब हमने ये इनकी साइड्स वाले पार्ट्स को जॉइंट कर लिया है, साइड वाले पार्ट को आप कलियां भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा पिछला हिस्सा है और इसी तरह से हमने ये फ्रंट वाले पार्ट के साथ भी इनको अलग अलग जॉइंट कर लिया है। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको हम फोल्ड करेंगे आगे से, क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन वाला बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको 1 इंच करीब ऐसे फोल्ड कर देंगे। दोनों हिस्सों को हमें इसी तरह से फोल्ड करना होगा, उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। अब हमने ये आगे से भी इनको फोल्ड कर लिया है, अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे।
आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखिए, बराबर से रखिए और हम आगे वाले नेक की कटिंग करेंगे। तो हम ये आ रही है पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, तो इसमें जो नेक की चौड़ाई है वह हम 2.75 इंच लेंगे, 2.75 इंच लेंगे और इतना ही हम इधर लंबाई में भी ले लेंगे और इसको हम थोड़ा सा इस शेप में देंगे, जैसे कि हमारा गोल गला होता है लेकिन गोल में एकदम, एक तो डीप गोल होता है तो डीप गोल नहीं होता है, थोड़ा सा वी में गोलाई आप इसे दीजिए। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहां से हम अंदर की तरफ 1 इंच लेंगे और यह हम अंदर वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यहां से भी आप 1 इंच लीजिए और उसे धीरे धीरे ऐसे मिला दीजिए और वापस आप यहां पर भी इसको ऐसे मिला लीजिए। अब हम इन्हें, ये जो हमारा पीछे वाला कुर्ता है इसके साथ, इसके ऊपर इस तरह से इनको रखकर यहां से हम आधा इंच का ऐसे स्लांट तिरछा कट कर लेंगे। जब भी हम कॉलर वाला या तीरे का नाप लगाते हैं तो फिर हमें इसे स्लांट स्लॉप देना होता है। अब हम, ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, इसको हम एज इट इज ऐसे रखकर इसके ऊपर हम अपने ये आगे वाले हिस्से रखकर यहां से शोल्डर्स को ज्वाइंट कर लेंगे। एक हमारा ये वाला पोर्शन को हम यहां से रखकर यहां तक ज्वाइंट कर लेंगे और इस तरफ से हम इसको यहां तक नॉर्मल से सिलाई लगा लेंगे और डबल सिलाई हमें लगानी होगी। अब हमने ये शोल्डर्स को ज्वाइंट कर लिया है लेकिन हमारा यह गला थोड़ा छोटा है तो हम इसको थोड़ा और कटिंग कर बड़ा करेंगे। तो हम इसको ऐसे ही डबल फोल्ड करेंगे जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं और इसकी लेंथ को हम थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। तो आपको यहाँ से चौड़ाई में नहीं करना है, बस लंबाई में उसको थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। आप हमेशा ट्राई करें और फिर उसकी कटिंग करें। जब भी कोई भी कॉलर वाला नेक आप बना रहे हैं तो पहले आप उसको ट्राई ज़रूर करें। कुछ लोग पीछे वाले हिस्से को कॉलर में बड़ा रखते हैं, वह दिखने में अच्छा दिखता है लेकिन उससे आपके कॉलर में कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो बड़ा भी रख सकते हैं, पीछे वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं और हम इस पीछे वाले नेक को भी हल्का सा ऐसे कट करेंगे। बहुत थोड़ा सा हमें कट करना है, लगभग आधा इंच का। अब हम दोबारा अपने नेक को ट्राई करके फिर हम इसके कॉलर की कटिंग करेंगे। अब हम ये जो हमारा नेक है इसको हम यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे कि यह नेक की कितनी लंबाई है। तो आपको इस जगह से अपना इंची टेप रखना है और नेक को ऐसे पकड़कर नापते जाना है। आप किसी को भी खींचिए मत, बस आराम से आप रखिए और अपने नेक की लंबाई को नापिए। यह हमारा नेक 19 इंच आ रहा है। यह हमारा नेक थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हमारा जो ये कॉलर है यहाँ यहाँ से एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप होगा, इसलिए यह बड़ा है। अब हम इसकी कॉलर की कटिंग पहले पेपर कैनवास पर करेंगे। अब हमें 19 इंच हमें कॉलर की कटिंग करनी है, 19 इंच। अब हमारा ये पेपर कैनवास है, आप पेपर कैनवास चाहे या आप कोई और दूसरा कैनवास भी लगा सकते हैं, पर पेपर कैनवास में एक साइड उसकी ग्लेज होती है, चिकनी होती है तो वो आराम से चिपक जाता है। और ये मेरी रेयन की कुर्ती है तो मैं इस पर पेपर कैनवास, क्योंकि पेपर कैनवास की वजह से हमारा नेक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, क्योंकि हमारा रेयन का कपड़ा भी सॉफ्ट सॉफ्ट होता है तो हमारा नेक भी उसी तरह से वो हार्ड नहीं होगा, उसी तरह से हमारा कॉलर भी थोड़ा सॉफ्ट ही रहना चाहिए। तो पेपर कैनवास से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा 19.5 इंच है तो हम इसे 9.5 इंच हम ले रहे हैं और इसके बाद चौड़ाई हमारी चॉइस पर है कि हमें कितना चौड़ा रखना पसंद करेंगे। मैं 3.5 इंच इसको चौड़ा रखूंगी। अब हम हर तरफ से 3.5 का एक मार्क कर लेंगे। अब हम ये वाली साइड पर, ये जुड़ी हुई साइड है, यहाँ पर
ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, आप हमेशा ध्यान रखिए आपका कैनवास इसी तरह से जुड़ा रहे और नीचे वाले पोर्शन पे आप अपने नेक की चौड़ाई लीजिए। ये जुड़ी हुई साइड पर हमें लेना है 3.25 इंच। हम यहाँ पर 3.25 इंच का एक मार्क कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंच ऊपर की तरफ और हम इसे यहाँ से यहाँ मिला देंगे। तो हम ये कर्व स्केल से इसे मिलाएंगे तो ये एक अच्छी सी गोलाई में हमारा निशान लग जाएगा। ये कर्व स्केल से मिलाने से हमारे कई चीज़ें बड़ी आसानी से बन जाती है, जैसे कि हमारी स्लीव्स और इस तरह के निशान। ये देखिए, अब हम इसको हमें 19 इंच रखना है, 19 इंच रखना है, तो 19 का आपको हाफ करना होगा। तो आप ये 19 पे इंची टेप को रखिए और ऐसे हाफ कर लीजिए तो हमारा आता है 9.5। तो हम यहाँ से 9.5 रखते हुए इसको इस तरह से गोलाई में नापेंगे। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल बराबर है। हम यहाँ से बस थोड़ा सा इसको ऐसे मार्क कर देंगे जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसके बाद। अब हमारे कॉलर की चौड़ाई 3.5 इंच है तो हम इस जगह से भी 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और कॉलर की चौड़ाई आपकी चॉइस पर है, आप इसे थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप हर जगह से 3.5 इस ये जो निशान है इससे 3.5 इंच का एक आप चौड़ाई ले लीजिए। अब हमारा यहाँ 3.5 आ गया है बस इस, तो इस जगह से भी आप कॉलर को इसी तरह से शेप दे दीजिए कर्व स्केल से। आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप धीरे से इसको सीधा थोड़ा तिरछा लगाइए, फिर थोड़ी सी गोलाई में इस निशान को दीजिए। अब हमारा जो ये वाला पोर्शन है, हमारा नाप यहाँ आया था, तो यहाँ से हम इसको ऐसे थोड़ा सा स्लांट मिला देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये कॉलर की कटिंग होती है। अब आप अपने कॉलर को यहाँ से ये फोल्ड होगा तो देख लीजिए कि आपको अगर यहाँ से पतला करना है इसको, ये ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, तो आप इसकी और कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ इस जगह पर आप इसको थोड़ा पतला कर सकते हैं बीच वाले पोर्शन पे। तो इसके लिए आप इसको बस ऐसे ही इस जगह पर ऐसे ही रहने दीजिए और नीचे से इसको थोड़ा सा इस तरह से कम कर लीजिए। अगर आपको इसकी चौड़ाई कम करनी तो आप इस तरीके से कीजिए और आप अपने कॉलर को ऐसे देख भी लीजिए कि यहाँ से हमारा ये वाली साइड इतनी चौड़ी होगी। अब हम इसे हमारे जिस कपड़े पर लगा रहे हैं उस पर इसको प्रेस कर लेंगे। जैसे कि मैं इस कपड़े पर लगाऊंगी तो इसकी जो चिकनी साइड है, पेपर कैनवास बोलते हैं इसको, इसकी जो चिकनी साइड है उसको आप ऐसे रखिए और इस पर प्रेस कर दीजिए। अब हमने इसके ऊपर कैनवास को प्रेस करके चिपका लिया है। अब हम इसे थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम एक और इसी कपड़े की सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे इसी के बराबर। अब हमने ये एक और पीस की कटिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर इसको इस तरह से रखकर इसके 3 साइड हम सिलाई करेंगे। जो ये गोलाई वाली साइड है इस पर हम सिलाई नहीं करेंगे और हम ये 3 साइड पर इसकी सिलाई कर देंगे। आप कैनवास के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। हम सिलाई एकदम कैनवास के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमेशा कॉर्नर पर आकर आप सुई को अंदर रखिए, फुट उठाइए और मुड़ जाइए, इससे आपका कॉर्नर बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इन कॉर्नर्स को इस तरह से कट कर देंगे दोनों साइड से और यहाँ पर भी हम कट्स लगा देंगे। अब हम इसे एक जैसा बराबर से कट कर लेंगे, जितना हमें सिलाई में लेना है उतना ही। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, टर्न कर लेंगे।
आप ये पॉइंट्स को हमेशा किसी की मदद से निकाल लीजिए। बड़ी सुई ले लीजिए, स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, ये मैंने क्रोशिया लिया है, इसकी मदद से भी आप इसे निकाल सकते हैं। दोनों कॉर्नर्स को आपको ऐसा ही करना होगा। आप यहाँ पर प्रेस कर इसको सेट कर लीजिए, या आप ऐसे कॉटन का कपड़ा है तो आप उसको ऐसे नेल्स से भी आपके नाखून से इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। अब हम इसे अपना कुर्ता लेंगे और उसके साथ इसको जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे ये कुर्ते का ये वाला पार्ट है, यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे, क्योंकि ये जो कैनवास वाला हिस्सा है हमारा, वह हमारा बाहर की तरफ आना चाहिए। तो जैसे हम कॉलर को इस तरह से लगाएंगे तो ये हमारा कॉलर पलटकर इस तरफ आएगा, तो ये जो हमारा कपड़ा कैनवास के साथ जुड़ा हुआ है ये हमें इस तरफ आना चाहिए। तो हमें ये वाले कपड़े को पकड़कर इसके साथ ऐसे जॉइंट करना है, हमें कुछ इस तरीके से जॉइंट करना है कि हमारा ये वाला पोर्शन हम बाद में सिलाई लगाएं, इससे हमें ये सिलाई फोल्ड करने में आसानी होगी। तो हम इसको ऐसे पकड़कर इसके साथ ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे इस जगह से। आप पहले कॉलर को लगाने से पहले नाप लीजिए कि हमारा कॉलर बराबर आ रहा है या नहीं, बनने के बाद भी हमें एक बार चेक करना होता है। ये हमारा कॉलर बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर आपका कॉल गला अगर बड़ा हो जाता है तो आप थोड़ी सी शोल्डर की ये जो जॉइंट है यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको छोटा कर सकते हैं। अब हम पहले जो बिना कैनवास लगा हुआ कपड़ा है उसको पकड़कर इस कॉलर के साथ जॉइंट करेंगे। ये हमें कुर्ते को सीधा रखना है और इसके ऊपर हमें इसको ऐसे रखना है, तभी हमारा यह वाला कैनवास वाला कॉलर वाला पोर्शन ऊपर की तरफ आएगा। ये देखिए हमारी ये सिलाई इस तरह से लग चुकी है। अब हम इसे ये साइड टर्न करके, और ये देखिए अब हमारा कैनवास पे ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ये ऑटोमेटिक ऐसे फोल्ड हो जाएगा और हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कॉलर से लग जाता है। अब हम इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम ऊपर वाली सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर पर आकर आपको सुई अंदर रखनी है, फुट उठाना है और टर्न हो जाना है। हर कॉर्नर पर आपको इसी तरह से करना होगा। अब हमें ये वाली जो जगह है यहाँ पर एक ऐसे सिलाई लगानी होगी इस जगह पर। ये जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है ये देखिए यहाँ पर, और एक ये वाला, तो यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगानी होगी। इससे ये हमारा कॉलर हम जब इस तरफ टर्न करेंगे तो वह बीच में से स्टेबल रहे, इसलिए हम ये सिलाई लगा रहे हैं। आप इस सिलाई को थोड़ा इधर से भी ले सकते हैं और बिल्कुल इसके मिडिल में भी ले सकते हैं। ये जो हमारा पूरा कॉलर की चौड़ाई है इसके बीच में आप इसे ले सकते हैं। इस तरह से हमारा ये कॉलर बनकर तैयार है। अब हम इसमें यहां पर
यहाँ से आप 8 इंच लीजिए और फिर आप इस जगह पर इसको ऐसे पकड़कर सिलाई लगा लीजिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लीजिए और सिलाई लगा लीजिए। और अगर आपका यहाँ से बड़ा होता है तो आप यहाँ पर एक हुकाई लगा लीजिए और हम फिर इस पर ये हमने कपड़े के बटन बनाए हैं और यह बटन हम इस पर लगा लेंगे और फिर हम इस पर कुर्ते को स्लीव्स जोड़कर फिटिंग दे लेंगे। तो कुर्ते को स्लीव्स जोड़ने और फिटिंग देने के लिए हमारा मेथड बिल्कुल सेम रहेगा जैसा कि कुर्ते पे रहता है। तो इसके लिए आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देखकर स्टेप बाय स्टेप स्लीव्स जोड़कर साइड से फिटिंग देकर और स्लिट्स वगैरह बना सकते हैं। और कुर्ते को फिटिंग देने के लिए मेरा एक और वीडियो है, कुर्ता टू कुर्ता फिटिंग मेथड, उसमें मैंने आप सिले हुए कुर्ते से अपने कुर्ते को फिटिंग कैसे दें यह बताया है। तो उसको देखकर भी आप अपने कुर्ते की फिटिंग दे सकते हैं। आप फिर अगर आपको ये नेक इतना ही चाहिए तो आप यहाँ पर एक हुकाई कर सकते हैं और उससे फिर आपका नेक ये इस तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगा। अगर आप इस कुर्ते को फ्रंट से ओपन नहीं रखना चाहते हैं, फ्रंट से खुला नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इस कुर्ते के ये जो पीछे वाला हिस्सा लिया उतने ही बराबर आप फ्रंट वाले हिस्से को ले सकते हैं। उसमें आप कॉलर कैसे लगाएं इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, शर्ट कॉलर गले वाला कुर्ता, कुर्ता विथ शर्ट कॉलर, ये वाला वीडियो देखकर आप उस तरह से भी कॉलर को लगा सकते हैं। और ये हमारा थोड़ा कुर्ते का कलर डार्क है, वो जो मैंने वीडियो डाला है उसमें वो थोड़ा लाइट है, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ सकता है। तो आप मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। इस तरह से हमारा ये शर्ट कॉलर फ्रंट ओपन कुर्ता बनकर तैयार है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।